शुभम शुभम बेटा आओ नाश्ता कर लो। हाँ पापा मैं आ रहा हूँ। शुभम ए शुभम। हाँ भाई। अबे क्या कर रहा है, जल्दी आना, घूमने के लिए लेट हो रहा है। रुको भाई आ रहा हूँ। पापा आप नाश्ता कर लीजिएगा, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ घूमने। आओ जल्दी भाई। ठीक भाई रुको आ रहा हूँ। आ गया, चल बैठ। यह लड़का एकदम अवारा निकल गया है, दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है, समझ में नहीं आ रहा है इसके साथ क्या करूं। अब यार गाड़ी रुक 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 भाई रुक रुक गाड़ी रुक गाड़ी रुक बंद कर बंद क्या हुआ जी बंद कर गाड़ी बंद कर ये देख कितनी पड़ाका माल जा रही है जी यार भाई अरे क्या कुछ हो जाए। हाँ हो जाए भाई चल चल उतर। अरे मेरी जान बदतमीज मत कहो, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। अबे सर क्या देख रहा, चल पकड़ भैया मुझे बचा लो, मेरे पीछे देखिए और ये लोग पड़े हैं, मेरी इज्जत चली जाएगी। ये तुझे बचाएगा, ये तो साला कुछ बोल ही नहीं रहा है। मेरा एक उसूल है, पहले तो मैं बोलता नहीं और बाद में बोलने के लायक मैं छोड़ता नहीं। अबे यार ये तो जंगली शेर है और हम मर्द हैं मर्द। क्या रे भाई सही बोला ना? हाँ भाई सही बोला। जिस दिन बेटा ना तुम सब किसी जंगली शेर के पंजे में आ जाओगे ना, वो दिन तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। अपने आप को जंगली शेर बता रहा है। पाकर उठा फिर इसको दिखाते हैं जंगली शेर क्या होता है। अगर दोबारा तूने इसे छुआ ना तो तेरी वो हालत कर दूंगा, न तू सही से बिस्तर पे सोने के लायक रहेगा और न तू उठ के चलने के लायक रहेगा। मंत्री जी आज की जनता आज का समाज इतना एडवांस और आगे है कि तब जैसा जो है माहौल अब नहीं है। अगर किसी भी चुनाव को फाइट करना है जीतना है तो उसके लिए एकदम शांत स्वभाव से और नॉर्मलता के साथ जो है पूरे समाज से पेश आना पड़ेगा। अब गुंडागर्दी से कोई चुनाव फाइट नहीं कर सकता। तुम सही कह रहे हो, हम लोगों को बहुत शांत स्वभाव से रहना होगा। हाँ। इसलिए अगला चुनाव किसी तरह हम लोगों को जीतना है। पक्का जीता जाएगा। तूने इसे क्यों मारा? इसने मारने लायक काम ही किया था, जिस वजह से मैंने इसे मारा। इसने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला तब मैंने इसे मारा है। तू जानता किसका बेटा है? किसका बेटा? मंत्री का बेटा है। मंत्री का बेटा तू? तो किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालेगा, किसी को बेवजह परेशान करेगा? तू बहुत उछल रहा है। उछलते तू जैसे गीदड़ है जो चंद बोटियां पाकर अपने आप में नहीं समाते। मुझ जैसा जंगली शेर तुझे जब चाहे जहां चाहे फार के खा जाए। आज तो मैं इसे समझा के जा रहा हूँ, अगर दोबारा इसने ऐसी गलती की तो इसे समझाने नहीं इसका मातम मनाने आऊंगा, याद रखना। अबे साले तू बहुत बोल गया। अरे मंत्री जी
रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं? सामने चुनाव चुनाव, इसलिए छोड़िए मंत्री जी, छोड़िए। मंत्री जी अपने बेटे को संभाल कर रखना। शांत हो जाइए मंत्री, शांत हो जाइए। पहले हमारी मोबाइल ला दे, कहाँ है? जल्दी ला मेरी मोबाइल। ठीक है, ला रहे। मंत्री जी मोबाइल। बिल्ला, हमारे यहाँ एक जंगली जानवर पागल हो गया है, उसका शिकार करना बहुत जरूरी हो गया है। ए रिंकू सेठ, निकल बाहर साले, अपने आप को जंगल का जंगली शेर समझते हो? देख बिल्ला आया है, बिल्ला जिसे 11 नहीं 21 मुल्क की पुलिस ढूंढ रही है। निकल साले बाहर, कहां छुपकर बैठा है? लगता है बिल्ला के डर से अपना जंगली मान छोड़कर भाग गया है। कहां है? निकल बाहर, आज तुझे मैं अपनी बंदूकों से भून कर ही यहां से जाऊंगा। अरे रिंकू सेठ भैया, आप, अरे भैया मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। जिसने भी तुझे भेजा है ना बेटा, उसके भेजे में ये भेजा नहीं था, नहीं तो तेरे भेजे में डाल कर भेजता। कि रिंकू सेठ किसी गीदड़ का नाम नहीं है, दिन पटाखों की आवाज सुनकर भाग जाएगा। रिंकू सेठ वो शेर है जो बैठ के अपना शिकार करता है। मैं समझ नहीं पाया कि आप हैं इस जंगल, क्या इस पूरे एरिया में मैं नजर नहीं आता, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। आओ बिल्ला, आओ बैठो, काम हो गया? बहुत खामोश हो मंत्री साहब, उसको मारना नामुमकिन है। अरे बिल्ला, ऐसी क्या बात है, ये तुम कह रहे हो? मंत्री साहब, उसे मारना तो बहुत दूर की बात है, अगर हम लोग उसे छेड़ेंगे ना तो भूचाल आ जाएगा। हम तो कहेंगे कि मामला यहीं पे दबा दीजिए, नहीं तो विनाश होने से कोई बचा नहीं सकता है। ऐसा? हाँ पापा, इसको बोल दो जाके चूड़ी पहने, मैं उसे मार के आऊंगा, देखता हूँ कितना बड़ा गुंडा है। समझा दीजिए अपने बचवा को। बिल्ला, याद तक पूर्वांचल के इतिहास में बिल्ला कभी किसी की बात को बर्दाश्त नहीं किया है। अगर बिल्ला कुछ कह रहा है तो ये आपकी भलाई के लिए कह रहा है, समझ जाइए, नहीं थाल भर की जो मांस लिया है ना कौवे खाएंगे कौवे। मंत्री साहब, समझा दीजिए अपने बचवा को, वह काल के गाल में जा रहा है। नमस्कार मंत्री जी, हम तो चल रहे हैं, फिर कभी याद करिएगा, हम आपके लिए तैयार रहेंगे। रिंकू सेठ, तू साला कहाँ है? चल निकल बाहर, तू सबको डरवा के रखता है, आज तुझे मैं मार के रहूंगा। अच्छा तू आ गया, आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों से है। अंकल जी, अरे अंकल जी आप कहाँ हैं? बाहर आइए ना। बेटा सुबह, ये क्या हो गया बेटे को? ऐसे क्या हो गया बेटे को? एम्बुलेंस बुलाओ। अंकल जी, एम्बुलेंस की अब क्या जरूरत? ये तो मर चुका है। मर चुका है? हाँ अंकल जी, ये मर चुका है। कौन? जंगली शेर। अच्छा मंत्री जी,
हेलो। हाँ मंत्री जी नमस्कार। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, दोबारा तुम्हारे बेटे को समझाने नहीं बल्कि इसका मातम मनाने आऊंगा। लगता है तेरे भी दिन भर गए। मैं तो कब से मौत को गले लगा के बैठा हूँ। मौत का इंतजार कर बेटे, अब तू भी मरेगा साले। ये तो वक्त ही बताएगा मंत्री कि कौन मरेगा और कौन मारेगा। चल तो ठीक है, अब तो तुझे पता ही चल जाएगा।